नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन का। गृह विभाग की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक डेयरी दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वन विभाग, आयुर्वेद, पशुपालन, ITB 4 बजे बंद होंगे। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालय खुल सकेंगे। ई मित्र आधार केंद्र को खोलने की अनुमति है। बैंक, बीमा, MFI सेवाएं 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। मंडियां, फल, सब्जियां, फूल मालाएं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिक सकेंगी। फल सब्जियों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाहनों पर बिक्री सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी। आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 25 अप्रैल से प्रभावी होंगे। विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी। अधिकतम 3 घंटे के कार्यक्रम की अनुमति होगी। गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल निजी वाहन भरवा सकेंगे। पेट्रोल और डीजल पंप अन्य वाहनों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। पशु चारे से संबंधित दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार व गुरुवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।